पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लालघाटी चौराहा पहुंचे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि नायक पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीयवाद की एक विचारधारा थी। आज भी हम देश की उन्नति और प्रगति को लेकर अपने आप को समर्पित करते हैं। बीजेपी के प्रेरणा स्रोत के रूप में मार्गदर्शन दिया था और रास्ता दिखाया था। वहीं भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान पर सिंधिया ने कहा कि जनसंपर्क मानवता का महत्वपूर्ण अंग है। मानवता की सोच विचारधारा पर अगर हमको चलना हो तो वसुधैव कुटुंबकम पूरा एक विश्व परिवार की तरह है, उसी सोच विचार के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। बीजेपी ने सदैव जनता के साथ मिलकर कार्य किया है, जनता की आशा और अभिलाषा के ऊपर वो खड़े उतरे हैं। वहीं कृषि बिल के विरोध को लेकर सिंधिया ने कहा कि यह एक अग्रणी कदम प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया है। 70 साल के बाद असली आजादी आज किसानों को मिली है, अब पूरी तरह से किसान स्वतंत्र हैं। आज हमारे प्रेरणा स्रोत और राष्ट्र के महानायक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का की जयंती है। जब हम उनके स्मरण करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत के रूप में, जिन्होंने मार्गदर्शन दिया था, रास्ता दिखाया था, आज उसी रास्ते पर चलने के लिए हम लोग सब एक साथ मिलकर एक भावना के साथ संकलित होकर आगे चलने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं मानता हूं कि जनसंपर्क मानवता की एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है और मानवता की सोच विचारधारा पे अगर हम लोगों को चलना हो तो वासुदेव कुटुंबक पूरा विश्व एक परिवार है, उसी सोच विचारधारा के साथ हमें आगे चलना होगा। और जनसंपर्क अभियान उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। बिल के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत ही अग्रणीय कदम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों के हित में उठाया है। 70 साल के बाद असली आजादी अब आज किसान को मिलने जा रही है, जहां पूरी तरह से अपना उपज किसान कहीं भी और किसी को भी बेचने के लिए स्वतंत्र है।